गुड मॉर्निंग। ड्रेपर नर्डियोप्सिस के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। पूर्व की क्लास में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पूर्व में पढ़ चुके थे। आज हम स्पोरोफाइट, स्पोरोफिटिक प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे और इसके द्वारा होने वाला रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे। स्पोरो, मैंने बताया था कि ड्रेपर नर्डियोप्सिस में दो प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड प्लांट को स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों ही मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, लेकिन जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं। स्पोरोफाइट और डिप्लॉइड फिलामेंटस थैलस इज मॉर्फोलॉजिकली एंड स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द हैप्लॉइड प्लांट्स विच बियर द गेमिट, जो कि हैप्लॉइड प्लांट जो कि गेमिट्स को बियर करता है, मतलब बनाता है। इट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्वार्मर्स और मियोजोस्पोर्स। स्पोरोफिटिक प्लांट्स जो है मियोजोस्पोर्स बनाता है, और मियोजोस्पोर्स तीन प्रकार के होते हैं। पहला है क्वाड्रीफ्लेजिलेट मैक्रोमियोजोस्पोर्स, दूसरा प्रकार का क्वाड्रीफ्लेजिलेट माइक्रोमियोजोस्पोर और थर्ड है बाईफ्लेजिलेट माइक्रोमियोजोस्पोर। तो इस प्रकार तीन प्रकार के इसमें मियोजोस्पोर्स बनते हैं, जिसमें क्वाड्रीफ्लेजिलेट दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। बाईफ्लेजिलेट एक ही प्रकार का होता है, माइक्रोमियोजोस्पोर। लॉन्ग लेटरल थैलस के लॉन्ग लेटरल इंटरनोडल सेल क्वाड्रीफ्लेजिलेट मैक्रोमियोजोस्पोर और क्वाड्रीफ्लेजिलेट माइक्रोमियोजोस्पोर दोनों को बनाती है। बाईफ्लेजिलेट माइक्रोमियोजोस्पोर केवल शॉर्ट लेटरल के इंटरनोडल सेल ही बनाती है। तो इस प्रकार इसमें तीन प्रकार के जूस्पोर्स निर्मित होते हैं, क्वाड्रीफ्लेजिलेट मैक्रोमियोजोस्पोर, क्वाड्रीफ्लेजिलेट माइक्रोमियोजोस्पोर एंड बाईफ्लेजिलेट माइक्रोमियोजोस्पोर। द क्वाड्रीफ्लेजिलेट मैक्रो मियोजोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द इंटरनोडल सेल्स ऑफ द लॉन्ग लेटरल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। द क्वाड्रीफ्लेजिलेट माइक्रोमियोजोस्पोर आर फॉर्म इन द इंटरनोडल सेल्स ऑफ द लॉन्ग लेटरल ऑफ द सबसिक्वेंट ऑर्डर। एक्सेप्टिंग द हायर सेल, द सेल्स ऑफ द शॉर्ट लेटरल ऑफ ऑल ऑर्डर प्रोड्यूसेस ओनली द बाईफ्लेजिलेट माइक्रोमियोजोस्पोर। मियोजोस्पोर्स ऑफ ऑल काइंड्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द डिप्लॉइड प्रोटोप्लास्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्पोरिंजिया बाई मियोसिस। ये तीनों प्रकार के जो मियोजोस्पोर्स हैं, ये डिप्लॉइड प्रोटोप्लास्ट जो कि स्पोरिंजियल मदर सेल की तरह कार्य करती है, उसमें मियोसिस के द्वारा बनते हैं। एक्सेप्टिंग द नोडल सेल्स ऑफ लॉन्ग ब्रांचेस एंड टर्मिनल हेयर सेल ऑफ द शॉर्ट लेटरल, मोस्ट ऑफ द सेल्स टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मियोजोस्पोर। यानी नोडल सेल्स की लॉन्ग ब्रांचेस के नोडल सेल्स और टर्मिनल हेयर सेल्स शॉर्ट लेटरल को छोड़ करके बाकी सभी जो है स्पोरेंजियल मदर सेल की तरह कार्य करती है और मियोजोस्पोर्स को निर्मित करती है। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, मोस्ट ऑफ द इंटरनोडल सेल्स ऑफ लॉन्ग लेटरल हेयर सेल को छोड़ करके डिप्लॉइड थैलस फंक्शन एज स्पोरेंजियल मदर सेल। ईच स्पोरेंजियल मदर सेल डिवाइड्स बाय अ थिन ट्रांसवर्स वॉल इनटू टू डॉटर सेल। यानी स्पोरेंजियल मदर सेल जो है लॉन्ग लेटरल के इंटरनोडल सेल्स जो है स्पोरेंजियल मदर सेल की तरह कार्य करती है, और इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे दो पुत्री कोशिकाएं बनती है। प्रत्येक पुत्री कोशिका में सेकंड डिवीजन होता है, कभी कभी थर्ड डिवीजन भी होता है। इस प्रकार इन दिस वे वेल डिफाइंड ग्रुप्स ऑफ टू फोर और मोर सेल्स रिजल्ट। इस प्रकार दो या चार या अधिक सेल्स का एक समूह बनता है। दीज आर द मियोस्पोरिंजिया, यही मियोस्पोरिंजिया है। ईच ग्रुप ऑफ मियोस्पोरिंजिया यानी प्रत्येक मियोस्पोरिंजिया का प्रत्येक ग्रुप इज द प्रोडक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ अ सिंगल स्पोरिंजियल मदर सेल। सिंगल स्पोरिंजियल मदर सेल इसका प्रोडक्ट है। देर इज अ थिक सेप्टम एट आइदर एंड ऑफ मियोस्पोरिंज एंड द लेटर शो एन एप्रिशिएबल कंस्ट्रक्शन एट दिस पॉइंट। सब्सिक्वेंटली ईच ग्रुप ऑफ मियोस्पोरिंजिया बिकम बैरल शेप्ड। इसके बाद मियोस्पोरिंजिया जो है वो ढोलक नुमा हो जाती है ड्यू टू ग्रेजुअल इलोंगेशन, धीरे धीरे लंबे होने से, और टर्जिडिटी ऑफ देयर प्रोटोप्लास्ट के फूलने से।
द वॉल्स बिटवीन द इंडिविजुअल म्यूस्पोरिंजिया बिकम वेरी थिन एंड इनडिस्टिंक्ट। म्यूस्पोरिंजिया जब इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो म्यूस्पोरिंजिया है वो जो है बहुत उनके जो दीवार है बहुत पतली होती है और क्लियर नहीं होती है। डिफ्रेंटिएशन ऑफ म्यूजोस्पोर एट दिस स्टेज द प्रोटोप्लास्ट ऑफ ईच म्यूस्पोरिंजियम रिसीड्स फ्रॉम द सेल वॉल एंड राउंड ऑफ। सेल वॉल से अलग अलग होकर के गोल हो जाता है और जो गोल प्रोटोप्लास्ट है डेवलप फ्लैजेला और उसके आगे की तरफ फ्लैजेला निर्मित हो जाते हैं एंटीरियर एंड पे। टेक्स ऑन द शेप और एक स्वार्मर की शेप ले लेता है। द मेचर म्यूजोस्पोर्स आर फाइनली लिबरेटेड और फाइनली वो लिबरेट हो जाते हैं, लिबरेट स्वतंत्र हो जाते हैं बाई द जेलेटिनाइजेशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वॉल्स ऑफ द म्यूस्पोरिंजिया। म्यूस्पोरिंजिया की अनुदैर्ध्य जो वॉल है उसमें जेलेटिनाइजेशन होने से इसकी दीवार घुल जाती है और मेचर जो परिपक्व म्यूजोस्पोर्स हैं वो पानी में आ जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, स्पोरिंजिया से बाहर आ जाते हैं। द क्वाड्रीफ्लैजेलेट मैक्रो म्यूजोस्पोर्स आर ओवॉइड। जो क्वाड्रीफ्लैजेलेट है वो अंडाकार होता है और इलिप्टिकल दीर्घ रूप से लंबा होता है। द न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन द सेंटर। इसका जो केंद्रक है वो केंद्रीय भाग में पाया जाता है। द एंटीरियरली इंसर्टेड इसके आगे की तरफ और आगे की विप्लेश फ्लैजेला होते हैं इक्वल लेंथ के नियरली सब टर्मिनल इन पोजिशन और सब टर्मिनल पोजिशन में होते हैं। द फ्लैटन रेड स्टिग्मा एक रेड स्टिग्मा भी पाई जाती है जो कि बीच में पाई जाती है बट मोर टूवर्ड द एंटीरियर लेकिन आगे की ओर ही होती है। द मैसिव कप शेप क्लोरोप्लास्ट एक घना कप शेप क्लोरोप्लास्ट भी होता है जो कि ज़्यादातर पोर्शन को भरा हुआ रहता है म्यूस्पोर के। फिल द मेजर पार्ट ऑफ म्यूस्पोर एंड हैज अ सिंगल और एक सिंगल पायरिनोइड भी पाया जाता है एट इट्स एंड पोस्टीरियर एंड पे पीछे की तरफ। द टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दो संकुचन से लिप्तिकाएं भी एंटीरियर एंड पे पाई जाती है इमीडिएटली बीनीथ द पॉइंट ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लैजेली फ्लैजेले के जस्ट नीचे। देखिए डायग्राम दिख रहा है ना ए डायग्राम इसमें देखिए ये फ्लैजेले के जस्ट नीचे दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंटीरियर एंड पर पाई है। द क्वाड्री फ्लैजेलेट माइक्रो म्यूजोस्पोर्स आर नियरली स्फेरिकल और पायरीफॉर्म ये स्फेरिकल होते हैं। द फॉर्मर आर फ्लैटन्ड स्लाइटली बल्ज्ड इन द मीडियन पोर्शन जो पहले का जो ज्यूस्पोर था वो बल्ज था बीच में से मतलब चपटा था और थोड़ा सा फूला हुआ था मध्य भाग में। द फोर फ्लैजेला आर इंसर्टेड अराउंड द एंटीरियर प्रोटोप्लाज्मिक बीक लाइक पेपिला इसमें चार फ्लैजेला एंटीरियर एंड पर पाए जाते हैं। पियर शेप नाशपाती नुमा होता है फ्रॉम द एंटीरियर एंड इज पॉइंटेड इसका शेप नाशपाती नुमा होता है और एंटीरियर एंड जो है वो नुकीला होता है। फोर फ्लैजेला अराइज फ्रॉम द पॉइंटेड एंड चार फ्लैजेला पॉइंटेड एंड पर अराइज होते हैं। न्यूक्लियस इज लोकेटेड मोर और लेस सेंट्रली कम न्यूक्लियस जो है या तो केंद्रीय भाग में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। इन द कलरलेस साइटोप्लाज्म ऑफ द कप ऑफ द बेसिन शेप्ड मैसिव क्लोरोप्लास्ट विद द पायरिनोइड एट इट्स पोस्टीरियर एंड द प्रोजेक्टिंग आई स्पॉट इज सिचुएटेड लेटरली नियरर इट्स एंटीरियर एंड। द बाइफ्लैजेलेट माइक्रो म्यूजोस्पोर्स वेरी इन शेप जो बाइफ्लैजेलेट माइक्रो म्यूजोस्पोर हैं वह उसकी जो शेप है वो परिवर्तनशील है वो ओवॉइड भी हो सकता है अंडाकार भी हो सकता है ओबओवॉइड भी हो सकता है गोल भी हो सकता है स्फेरिकल और सब स्फेरिकल शेप में भी हो सकता है। ईच हैज अ सिंगल मैसिव स्लाइटली नोज्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है विद अ सिंगल पायरिनोइड होता है सिचुएटेड एट द सेंटर लेकिन इसके में जो पायरिनोइड होता है वो पीछे की ओर नहीं होता है केंद्रीय भाग में पाया जाता है न्यूक्लियस के जस्ट अबो स्लाइटली अबो। देर आर टू एंटीरियरली इंसर्टेड विप्लेश टाइप फ्लैजेला वन ऑन आइदर साइड ऑफ द प्रोटोप्लाज्मिक बीक द प्रोजेक्टिंग आई स्पॉट लाइज इन द मिडल जो आई स्पॉट होता है वो मध्य भाग में पाया जाता है। अब है जर्मिनेशन ऑफ म्यूजोस्पोर अभी तीनों प्रकार के हमने म्यूजोस्पोर्स के बारे में अध्ययन किया था जिसमें क्वाड्रीफ्लैजेलेट दो प्रकार के थे क्वाड्रीफ्लैजेलेट माइक्रो म्यूजोस्पोर और क्वाड्रीफ्लैजेलेट माइक्रो मैक्रो और माइक्रो म्यूजोस्पोर ये दो प्रकार के थे और तीसरा जो प्रकार का था वो बाइफ्लैजेलेट माइक्रो म्यूजोस्पोर था। तो तीनों ही प्रकार के जो म्यूजोस्पोर है उनका जर्मिनेशन एक ही प्रकार से होता है तो इनका कॉमन रूप से जर्मिनेशन है। द लिबरेटेड म्यूजोस्पोर सिम वो तैरता रहता है पानी में अबाउट इन वाटर फाइनली
अंत में दे कम टू रेस्ट, अंत में वो रेस्ट में आ जाता है। द मैक्रोम्यूजोस्पोर आफ्टर 8 आवर्स, यानी जो मैक्रोम्यूजोस्पोर है वो 8 घंटे तक तैरता है और माइक्रोम्यूजोस्पोर 24 आवर तक तैरता है। ईच ऑफ देम अटैच, प्रत्येक जो है इट्स सेल्फ टू सम कन्वीनियंट, अटैच एंटीरियर एंड से अटैच होता है अपने सुविधा अनुसार ऑब्जेक्ट बाय इट्स एंटीरियर एंड, इट विड्रो इट्स फ्लेजला, फ्लेजला नष्ट हो जाता है एंड सीक्रेट अ डेलिकेट वॉल, और सीक्रेट करता है मुलायम एक वॉल सीक्रेट करता है अराउंड इट। द क्यूशन निष्क्रिय हो जाता है, क्लोथ म्यूस्पोर फॉर्म अ कलरलेस प्रोट्यूबरेंस एट इट्स अटैच एंड, अटैच एंड से एक कलरलेस एक प्रोट्यूबरेंस निर्मित होती है। द प्रोट्यूबरेंस इलोंगेट्स, वो लंबी होती है एंड बिकम कट ऑफ नियर इट्स बेस बाय अ सेप्टम, और बेस की ओर वो कट जाती है सेप्टम से। देखिए डायग्राम में, देखिए एफ ये सेप्टम, ई डायग्राम दिखाया गया है, ये देखिए ये एफ जी एच जर्मिनेशन ऑफ मैक्रोम्यूजोस्पोर। अ टू सेल जर्मलिंग, और दो सेल बन जाती है जर्मलिंग इस तस्पोन, द लोअर कलरलेस सेल फंक्शन एज द राइजोलिस, जो लोअर द कलरलेस सेल थी वो राइजोलिस सेल की तरह काम करती है। इट एलोंगेट्स, ये लंबी होती है, इंटू अ सिलेंडर राइजोइड एंड मेगर कंटेंट, इसमें थोड़ा सा कंटेंट होता है। इट बियर्स द ब्रांच्ड राइजोइड्स, और ये ब्रांच राइजोइड्स बनाता है जो डायग्राम इसमें दिखाया गया है। मीनवाइल इसी बीच अपर सेल ऑफ द जर्मलिंग, जो ऊपर की सेल है जर्मलिंग की, वो बिकम ग्रीन, वो हरी हो जाती है। इट डिवाइड्स नंबर ऑफ टाइम्स टू फॉर्म अ शॉर्ट फिलामेंट ऑफ अ फ्यू सेल्स, छोटे छोटे फिलामेंट बन जाते हैं कुछ सेल्स के। ईच सेल ऑफ द फिलामेंट डेवलप अ बैंड शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, और हर एक में बैंड शेप्ड क्लोरोप्लास्ट विद 2 or 3 pyrions, जिसमें कि 2 या 3 pyrions होते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइमली रिपीटेड सेल डिवीजन ऑफ ग्रीन सेल्स अ मेन फिलामेंट कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमरस सेल्स इज फॉर्म्ड, और खूब सारे इसमें डिवीजन होते हैं जिससे फिलामेंट बन जाते हैं, कई सारे सेल्स के फिलामेंट बन जाते हैं। ऑल द कंपोनेंट सेल्स आर एट फर्स्ट लाइक, शुरू में जो है सब एक जैसे होते हैं, लेटर ऑन बाद में ये डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है इंटू नोडल एंड इंटरनोडल सेल्स टेक्स प्लेस। लेटरल्स ऑफ बोथ काइंड्स बिगिन, और दोनों प्रकार के लेटरल्स भी बन जाते हैं टू अराइज फ्रॉम द नोडल सेल्स। द राइजोइड बाय दिस टाइम हैज डेवलप्ड, राइजोइड्स भी बन जाता है इसी बीच इंटू अ राइजोइडल सिस्टम बाय ब्रांचिंग। द बाइफ्लेजिलेट माइक्रोम्यूजोस्पोर्स जर्मिनेट इंटू प्लांट्स विथ नैरोवर फिलामेंट। द हैप्लॉइड थैलस फॉर्म्ड बाय द जर्मिनेशन ऑफ म्यूजोस्पोर रिप्रोड्यूस बाय गैमेट्स, और हैप्लॉइड थैलस बन जाता है जर्मिनेशन से, म्यूजोस्पोर के जर्मिनेशन से, और वो जो रिप्रोड्यूस होता है वो गैमेट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ चुके थे कि गैमेटोफाइट बनता है और गैमेटोफाइट गैमेट्स बनाता है आइसोगैमेट्स, और गैमेट्स जो हैं उनमें वापस फ्यूजन होता है और फ्यूजन के उपरांत जायगोट बनता है, और जायगोट का फिर अंकुरण होता है बिना अधोसूत्री विभाजन के, और उनके अंकुरण के उपरांत स्पोरोफाइटिक प्लांट बनता है। तो इस प्रकार इनका जीवन चक्र जो है ये चलता रहता है, इसमें आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, कलेडोफोरा के तरह ही पाया जाता है, क्योंकि इसमें दो प्रकार की पीढ़ियाँ पाई जाती है जिससे हम गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक। तो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट निर्मित होता है और स्पोरोफाइट से ये म्यूजोस्पोर्स के थ्रू वापस गैमेटोफाइट बनता है, गैमेटोफाइट वापस गैमेट्स, और गैमेट्स के फ्यूजन से जायगोट, जायगोट से वापस स्पोर। तो इस प्रकार अल्टरनेशन जनरेशन इसमें कंटिन्यू रहता है। तो ड्रेपर नेलिडियोसिस जो एल्गा था इस प्रकार से कंप्लीट होता है। इसको हमने 3 पार्ट में विभाजित किया है अध्ययन की सुविधा को देखते हुए। पार्ट फर्स्ट में ड्रेपर नेलिडियोसिस, पार्ट फर्स्ट में हमने थैलस उसकी सेल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया था, और पार्ट सेकंड में जो गैमेटोफिटिक के द्वारा जो रिप्रोडक्शन था वो पढ़ा था। आज हमने स्पोरोफिटिक के द्वारा जो रिप्रोडक्शन है वो हमने पढ़ा। इसमें स्पोरोफाइट की स्पेलिंग, इसमें ये स्पेलिंग गलत दे रखी है, तो इसको स्पोरोफाइट को स्पेलिंग को सही पढ़ना आप। ये फिक 10.11 के पहले स्पोरोफाइट है, SPOROPHYTE, ये जो ओ है ओ की जगह वाई आएगा तो स्पोरोफाइट कहलाता है। और ये मैंने यहाँ पे एक लिख रखा है इसमें कौन कौन से जो म्यूजोस्पोर बनते हैं और कौन सी सेल बनाती है, ये नीचे लिख रखा है पेन से। तो लॉन्ग लेटरल की इंटरनोडल सेल, यानी इंटरनोडल सेल ही बनाती है,
लेकिन लॉन्ग लेटरल के इंटरनोडल सेल तो बनाती है क्वाड्रीफ्लेजिलेट, दोनों ही प्रकार के जो क्वाड्रीफ्लेजिलेट है मियोजिस पर वो बनाती है। क्वाड्रीफ्लेजिलेट जो है मैक्रो और माइक्रो दोनों बनाती है, लेकिन शॉर्ट लेटरल जो है वो बाईफ्लेजिलेट माइक्रो मियोजिस्पोर्स को निर्मित करती है। तो इस प्रकार ड्रेपन एल्डियोप्सिस जो एल्गा है पूर्ण होता है। अगली बार हम दूसरे एल्गा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।